ए पोल भाई, ये बैकग्राउंड में कुछ दिख रहा है क्या? नहीं तो अब ऐसे याद कैसे आया कि तेरे को मेरी इतनी जल्दी, मतलब उतने दिन से तो मैं मरवा रहा था ना, मेरे को देखेगा ही नहीं तू। एग्जाम चल रहा है मानता हूँ, लेकिन ऐसे कैसे करता है तू? खत्म हो तेरे एग्जाम, अब तो बनाते हैं ढंग के वीडियो। चल जी गुरुदेव, खत्म हो चुका है। वैसे अभी बोल रहा, बैकग्राउंड में कुछ नहीं दिख रहा था। क्यों दिखेगा? ऑल ब्लैक नेक्रो शॉट में है मेरे पास, पूरा काला है तो दिखेगा कैसे? एनीवे चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो कॉस्मिक, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बोल रहे कॉस्मिक। मैं हूं तुषार, आपका स्वागत है कॉस्मिक आर 50 फैक्ट के चौथे एपिसोड पे। तो आज के एपिसोड पे हम लोग बात करने वाले इस खास एपिसोड में खास एपिसोड पर लोग बात करने वाले हैं ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड द गॉड स्लेयर। बहुत से नाम से जानते हैं यार हम इसको, लेकिन मैं इसे नेक्रो स्वॉर्ड ही कहूँगा। नेक्रो स्वॉर्ड सबसे पहले छोटी स्वॉर्ड की डेडपूल भैया बताना चाहोगे? डेंगू ने एक तो मेरा मन नहीं है, ऊपर से नटा सा कॉल नहीं उठा रही है, और साला यहाँ पर स्कारलेट भी कॉल नहीं उठा रही, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बाय। तो सुनने में आया है कि पूल भाई का मूड खराब है, तो बाजू करते हैं इसको और फटाफट नेक्रो स्वॉर्ड की एक छोटी सी ऑरिजिन देख लेते हैं डिटेल में। उसके पावर्स या फिर जो होस्ट को एबिलिटीज प्रदान करते हैं नेक्रो स्वॉर्ड, वो भी देख लेंगे और इसके कुछ फैक्ट्स देख लेंगे। तो सबसे पहले इसकी छोटी सी ऑरिजिन। तो जब यूनिवर्स में कुछ नहीं था तो एक एंटिटी थी जिसको हम नल के नाम से जानते हैं। नल की परछाई से नेक्रो स्वॉर्ड निकली है। कैसे निकली है बताता हूँ जरा। तो जब कुछ नहीं था तो नल था, वो अंधेरे पर राज करता था, उसका साम्राज्य अंधेरा है। ओके, तो सेलिस्टियल्स जो मार्वल के सेलिस्टियल्स हैं, जो यूनिवर्स को क्रिएशन करते थे, करते होंगे छोड़ो, तो वो आए उस टाइम पर। नल बोला ये मेरा एरिया है, तुम लोग यहाँ निकलो, यहाँ से नहीं करना तुमको कुछ। तो उन सेलिस्टियल्स नहीं माने, तो नल ने अपनी परछाई में हाथ डाला और एक स्वॉर्ड को निकाला जिसको हम नेक्रो स्वॉर्ड के नाम से जानते हैं। और उस नेक्रो स्वॉर्ड से उसने एक सेलिस्टियल का खोपड़ी उड़ा दिया, और उस खोपड़ी में मतलब बाकी सेलिस्टियल जो फरार हो गए ना, उनकी तो फट गई ना, एक सेलिस्टियल मर गया बोल के। तो नल उसकी खोपड़ी में अपने नेक्रो स्वॉर्ड को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए उसको भट्टी पर जलाया, उस पर कई हटोरे के वार किए, तो नेक्रो स्वॉर्ड और अच्छा बना। और कुछ समय बाद वो पहुंच गया बोर्ड के पास। बोर्ड के पास जाने के बाद वो पहुंचा ओल्ड किंग थॉर के पास पहुंचा। वो उसकी पावर संभाल नहीं पाया, तो फिर वो चला गया गैलेक्टस के पास। गैलेक्टस के पास जाने के बाद वो ईगो के पास गया, और अभी प्रेजेंट में वो है ऑल फादर लोकिया। दुनिया भर के नाम लेते हैं इसको हम लोग, द लोकी द एंड के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोगों ने वॉर ऑफ रेंस में देखा है। तो ये तो हो गई इसकी छोटी सी जर्नी और इसकी ओरिजिन। अब देखते हैं इसके पास क्या, मतलब जब होस्ट नेक्रो स्वॉर्ड को लेता है तो वो नेक्रो स्वॉर्ड होस्ट को क्या क्या पावर देती है। तो चाचा पहली एबिलिटी है डिवाइन मटर। इस स्वॉर्ड का काम ही है गॉड्स को मारना, ये गॉड्स की इमोर्टलिटी को खत्म करके उनको मॉर्टल बनाता है और उनको काट डालता है। सेकेंड एबिलिटी है एनर्जी मैनिपुलेशन, अपने होस्ट की एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन की पावर को ये कई हजार गुना बढ़ा डालता है। थर्ड एबिलिटी है रीजेनरेशन की, मतलब किसी को भी मरने नहीं देगी या फिर काफ़ी जल्दी रिकवर करवाएगी। हमने देखा है गॉड वॉन स्टोरी लाइन में कि बोर्ड को जब थॉर ने लाइटनिंग स्ट्राइक मारी, 4 दिन में वापस आ गया ससुरा और बिल्कुल रिकवर हो गए, कोई भी निशान नहीं था उसके ऊपर किसी भी अटैक का। पोर्टेबिलिटी है लॉन्गिलिटी, पॉसिबल है इमोर्टिलिटी, क्योंकि हम लोगों ने देखा है गॉड वॉन स्टोरी लाइन के आसपास में बोर्ड की रेस और ह्यूमन रेस लगभग एक समान है, उनकी एजिंग की स्पीड लगभग एक समान है। जब उसने नेक्रो स्वॉर्ड को होल्ड किया तब उसकी एजिंग बहुत स्लो कर दी नेक्रो स्वॉर्ड ने, जो कि लगभग अभी तक करीबन 3000 साल हो चुकी थी उसकी मरने, मतलब गॉड वॉन स्टोरी मरने से पहले तक। तो ये कहा जा सकता है कि नेक्रो स्वॉर्ड लॉन्गविडिटी या फिर लगभग इमॉर्टल बना डालता है, उसकी लाइफ स्पीड को बहुत कम कर देता है, उसकी एजिंग स्पीड बहुत कम कर देता है। अब वही आता है पांचवें में सुपर ह्यूमन स्पीड। जब गॉड ने थंडर गॉड थॉर के साथ पहला एनकाउंटर हुआ था, तो थॉर हमेशा की तरह बिजली का हमला करता है, तो कुछ सेकंड्स में ही उसने बिजली के अटैक को डॉच कर दिया था। उसके बाद आता है सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। सिक्स्थ
क्योंकि देखा यार हमने कितने जल्दी जल्दी बज रहा था और कितने गॉड्स का सफाया किया है बोर्ड ने, तो देखा यार हमने। बाकी तो बाकी सब इसके होल्डर तो उतना कुछ खास यूज़ करे नहीं है, इधर से उधर चलते गया है। जो कान किए हैं वो एक तो ईगो किया है और दूसरा बोर्ड किया है, साथ में सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। देखा ही है यार हम लोगों ने कि कितना ज़्यादा ड्यूरेबल बना देता है ये उसके होस्ट को। तभी तो यार ईगो ने गैलेक्टस की पूरी मतलब मार दिया गैलेक्टस को, ऐसे थोड़ी ना मार सकते बोर्ड ने इतने सारे गॉड्स को कैसे मारा। पॉइंट है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ 8। अब क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, बोर ने अकेले ही यंग थॉर, प्रेजेंट के थॉर और फ्यूचर के थॉर को संभाल लिया था। ईगो ने फिर से वही गैलेक्टस को मार डाला, फिर उसके बाद जब लोकी के पास आया तो उसने ईगो को मार डाला। तो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे देता है अपने होस्ट को ये। नॉर्मल है ये, कुछ भी कंस्ट्रक्ट क्रिएट कर सकता है डार्कनेस के साथ, मतलब कुछ ऐसे पावर चाहिए इसको देता है कि एक तो ये यूजर को डार्कनेस में खींचने लगता है, उसके माइंड को ब्लैंक करने लगता है। जैसे बोर को ही देख लो, बोर ने बहुत कुछ किया, जैसे विंग्स के अपने वो उड़ सकता है, उसने बहुत सारे कंस्ट्रक्ट क्रिएट किए हैं। तो और जहाँ तक मैंने देखा है वो बहुत मतलब हजारों हजारों गॉड्स को उसने मारा है। 10th और अभी का आखिरी फैक्ट है कि नेक्रोस और किसी की भी माइंड को डार्कनेस में खींच सकता है, उसको बुरा बना सकता है, जो कि हमने गॉड बम की लास्ट स्टोरीलाइन में देखा ही है कि कैसे बोर ने अपनी बेटी को अपने बेटे को और अपनी वाइफ को ही मार डाला था। एक मिनट, सही में था वो था? शायद तो उनको बचाया था लग रहा है मेरे को, हाँ बचाया था उनको। तो अभी तक मैंने जैसे देख लिया है कि ये वेपन नेक्रोस्वॉर्ड यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले का है और यूनिवर्स के एंड तक जाता है। तो ये मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल आर्टिफैक्ट्स में आता है यार, मोस्ट डेडली वेपन्स में आता है ये, क्योंकि इसका यूज़ भाई एक छोटे एलियन से लेकर के एक मोस्ट पावरफुल गॉड ने तक किया है। थॉर ने, गैलेक्टस ने, लिविंग प्लैनेट ईगो ने तक किया है, उसके बाद लोकी सर्दी ने भी किया है जो कि अभी इसके करेंट होल्डर हैं। तो वैसे बहुत पावरफुल वेपन है सर्दी, इसको कोई अगैरा गैरा करके मत उठाना, ये गॉड किलर वेपन है, गॉड का खोपड़ी बनाने का पहले काम करता था ये, ठीक है। तो बहुत सारे दुनिया भर के भाषण देने के बाद मैं सीधा उतर जाता हूँ इसके 10 फैक्ट्स पर। 10वां फैक्ट, ये सबसे पहला सिम्बायोट है। 9वां फैक्ट, ये हीट और साउंड से इसको बहुत परेशानी, इसकी वीकनेस है समझ लीजिए आप। और जहाँ तक बात है 8वें फैक्ट की, तो ये गॉड्स के ब्लड के कार्य को फ्यूल मिलता है, मतलब भगवानों से इसको फ्यूल मिलता है। 7वां फैक्ट है गैलेक्टस बॉन्ड हो चुका है इसके साथ। 6वां फैक्ट है ईगो लिविंग प्लैनेट बॉन्ड हो चुका है इसके साथ। यार कितने बार बताया हमें, लोकी भी बॉन्ड हो चुका है इसके साथ। 4वां फैक्ट थोड़ा खास है क्योंकि हमने नेक्रोसॉर्ड को अभी तक एमसीयू में देख लिया, फैक्ट है जबरदस्ती का उंगली नहीं उठाने का। हेला जिस तरह से अपने ब्लेड्स का इस्तेमाल कर रही थी, उन्हें हम नेक्रोसॉर्ड कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह नेक्रोसॉर्ड अपनी शेप साइज को बदलता है, उसी तरह से हेला भी उनको उसी तरह मैनिपुलेट कर रही थी जैसे बोर करता है। और 3रा फैक्ट है नेक्रोसॉर्ड गॉड बॉम्ब करता है, एक ब्लास्ट टाइप का है ये, और हमने देखा है बोर ने इसका क्रिएशन किया था गॉड बॉम्ब का, और तीनों थॉर की मारी थी, पिछवाड़ा लाल कर दिया था उसका। 2रा फैक्ट है थॉर इसका असली नाम जानता है, ऑल ब्लैक। ओ यार बोर वाली स्टोरी लाइन। पहला और परम सत्य और ये फैक्ट है कि ऑल ब्लैक नेक्रोस्वॉर्ड गॉड स्लेयर, जो भी बोलो इसको आप, एनालिस प्लेट वगैरह वगैरह जो भी बोलो, ये नल को सर्व करती है। मतलब इसके साथ कोई भी बॉन्ड करे उसका दिमाग खराब करेगी, वो जो देखेगा वो नल भी देखेगा, वो जो करना करेगा वो उसको नल द्वारा करवाया जा रहा होगा। तो ये तो हो गया एक बहुत ही कमाल के आर्टिफैक्ट के बारे में, नेक्रोसॉर्ड के बारे में, एक कॉस्मिक आर्टिफैक्ट का ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और मेरे आर्मी का वार बनने की ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये रेड बटन को दबा दो और बन जाओ मेरी आर्मी का वार, बिकॉज यू आर अ कॉस्मिक सुपर हीरो। ए चलो ना जाओ ना रे, कोई काम धंधा नहीं है तुमको।